मेरे लिए यह एक अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि गत 7-7.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश के और दुनिया के निवेशकों के विश्वास को अर्जित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। आईके इंडिया उन्हीं निवेशकों में से एक है। खासतौर पर आज जिस निवेश प्रस्ताव के साथ यह शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इसमें इंगिका की इस नई परियोजना में आईकेआर रिटेल स्टोर, होटल और ऑफिसेस के लिए स्पेस उपलब्ध कराने के साथ ही एक शॉपिंग सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव भी है। यह न केवल हमारे लिए एक निवेश है बल्कि 9000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम भी। मुझे याद है जब 2017 में उत्तर प्रदेश ने अपने औद्योगिक विकास की नीति को बनाया था तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस समय हम लोगों का मार्गदर्शन करते हुए एक बात कही थी कि इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि 5,500 करोड़ रुपए के इस नए निवेश के साथ 9,000 से अधिक युवाओं को रोजगार की नई संभावनाओं की गारंटी भी यहां पर प्राप्त होगी। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और भारत की अर्थव्यवस्था में वर्तमान में 9.2% का अपना योगदान दे रहा है। यह वर्तमान में भारत की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को भी संबल देने के लिए आज आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश न केवल आज के दिन पर भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन है अपितु उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बड़ा मार्केट भी दुनिया के और देश के निवेशकों की दृष्टि से उपलब्ध तो है ही, लेकिन साथ ही साथ यहां पे देश का सबसे युवा आबादी भी निवास करती है जो न केवल युवा ऊर्जा से बल्कि प्रतिभा से भरपूर भी है। आज का ये जो निवेश है यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश को देश की एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक स्थापित करने में एक मददगार साबित होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक नया अवसर होगा। उत्तर प्रदेश पिछले 7 वर्ष के अंदर विकास और निवेश के एक नए युग में प्रवेश किया है।
इन 7 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, निवेश की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के लिए, परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। परंपरागत उत्पाद को आगे बढ़ाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश की अभिनव योजना आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना के रूप में उभर कर के सामने आई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए रिफॉर्म और प्रयास के परिणाम स्वरूप आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में सामने आया है। इसने उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को भी कम करने में काफी मदद की है। नए नए निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहे हैं और अलग अलग सेक्टर की 27 नई सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज भारत के विकास के लिए अपने योगदान को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर स्वीडन के माननीय राजदूत का और आकिया इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने इस नए निवेश को हमारे एनसीआर के नोएडा में यहां पर लागू करने का प्रस्ताव दिया और आज उसके शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। यह गौतम बुद्ध नगर जनपद भारत के अंदर अपनी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज जाना जा रहा है। बेहतरीन कानून व्यवस्था के साथ ही उत्तर प्रदेश का नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र इस वर्ष के अंत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सेवाओं के साथ ही भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बेहतरीन सुविधाओं से युक्त होकर के भारत के अंदर अनेक सुविधाओं से वहां के निवेशकों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। यह क्षेत्र लॉजिस्टिक की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन भी इसी जनपद में एक साथ उपलब्ध हो रहा है। मुझे बड़ा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है, इस प्रदेश की इन संभावनाओं का लाभ न केवल उत्तर प्रदेश के हित में बल्कि भारत के हित में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में भी आईकिया इंडिया और उनकी पूरी टीम उपलब्ध कराएगी। इस नए निवेश के लिए जो प्रस्ताव आपने यूपी गवर्नमेंट को उपलब्ध कराया था, आज उसके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आपका यह निवेश न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि आईकिया इंडिया के लिए भी फलीभूत हो,
इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपको, आईकेआई इंडिया को और उनकी पूरी टीम को इस नए ग्लोबल स्टोर के लिए नोएडा में नए होटल और ऑफिस स्पेस के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री, आपका बहुत बहुत आभार। यू अप्रिशिएटेड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट टू द इकॉनमी एंड कंट्रीब्यूटिंग एम्प्लॉयमेंट विच वॉज ऑल्सो द विश ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। यू मेंशन दैट यूपी इज नॉट ओनली अ ग्रेट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट but also provides a big retail market and has skilled youth. In the last 7 years, UP has entered a new phase of infrastructure development, skill development, and various initiatives have been started towards this. Particularly to mention about ODOP, One District, One Product, which has become extremely famous not only in UP,